हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के अफसरान के तकरीरों तबादले कर दिए। मंसूर अहमद को एसी मुल्तान सिटी तायुनात कर दिया। मोहम्मद तैयब को एसी मुल्तान सदर लगा दिया गया। मोहम्मद शाहिद को एसी डीजी खान तायुनात कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के अफसरान के तकरीरों तबादले कर दिए। मंसूर अहमद को एसी मुल्तान सिटी तायुनात कर दिया गया। मोहम्मद तैयब को एसी सिटी मुल्तान सदर तायुनात कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मद शाहिद को एसी डीजी खान तायुनात कर दिया गया है। मालूम करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर कहिएगा कौन कहां तायुनात हुआ? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के जो है 10 अफसरान के तकरीरों तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अफसरान को हुकूमत पंजाब ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर वो नई तैनाती के मुताबिक चार्ज भी लेकर काम शुरू कर दे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने 10 अफसरान की इसको मुख्तलिफ जगह पर एसी वगैरह लगा एसी असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया है, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान और इसमें तफसीलात अगर बताऊं तो इसमें बताता चलूं कि मंसूर अहमद को एसी मुल्तान सिटी, मोहम्मद तैयब को एसी मुल्तान सदर और आसफ अली को एसी पतों की, शबीर अहमद को एसी चूड़ियां, अहमद सलीम की खिदमत महकमा स्कूल एजुकेशन के हवाले की गई है ताकि अहमद सलीम को डीएमओ कसूर लगाया जा सके, अंजम दारा को सेक्शन अफसर महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर और मोहम्मद मुबीन हसन को खिदमत कमिश्नर लाहौर के हवाले की गई है, अब्दुल रजाक अली डोगर को सेक्शन अफसर महकमा सीएडब्ल्यू तैनात किया गया है। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं कि मंसूर अहमद को एसी सिटी मुल्तान लगाया गया है और मोहम्मद तैयब को एसी सिटी मुल्तान सदर एसी मुल्तान सदर लगाया गया है। जी एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर आपका शुक्रिया।